चुप हो जा, अब आगे से पूछेगा तो ठीक है। और लोगों ने विश्वास किया था, दी थी और अब नहीं देता, कर ले क्या करेगा। तेरे पेट में क्या दर्द हो रहा? मैंने कहा था पूछ पड़ेगा मेरी। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। झूठों ने झूठों से कहा कि सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है कि सच बोलो। घर के अंदर झूठों की एक मंडी है, दरवाजे पर लिखा हुआ है कि सच बोलो। मशहूर शायर राहत इंदौरी साहब की ये लाइनें मौजूदा सरकार और उनके चापलूसों पर बिल्कुल फिट बैठती है। सेठ या लाला रामदेव ने न सिर्फ पतंजलि प्रोडक्ट्स को बेचा, बल्कि लगातार सेठ रामदेव ने योग को, राष्ट्रवाद को और राष्ट्रहित जैसे शब्दों को भी खूब बेचा। याद होगा 2014 में जब कांग्रेस सरकार थी, घूम घूम करके लाला रामदेव देशवासियों को यह बताने की कोशिश करता था कि आपको किस कीमत का पेट्रोल डीजल चाहिए, किस कीमत का गैस सिलेंडर चाहिए। वही सेठ रामदेव अब तेल की बढ़ती कीमतों पर जब सवाल पूछा जाता है तो उसके जवाब देने का तरीका सुनिए। बाबा जी, आपने तो टीवी चैनल पर यह कहा था कि कौन सी सरकार आपको चाहिए, 40 रुपए पेट्रोल वाली सरकार, 300 रुपए सिलेंडर वाली सरकार। बाबा जी अच्छे भी कहा कुछ, आप ही ने कहा था सरकार बनाई बनी थी, आपने कहा था कि नहीं कहा था? बाबा जी मैंने कहा था पूछ पड़ेगा मेरी। बाबा जी आपकी कंपनी पतंजलि, बाबा जी आपकी कंपनी पतंजलि ऐसे जाता है ना आदमी को ना, आप ही ने कहा था। अरे आदमी को मैं कह रहा भाई ऐसे प्रश्न मत पूछो बाबा जी, मैं तेरे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कोई ठेकेदार है कुत्ते, तू जो भी पूछा मैं उसका उत्तर दू। जब एक बात कह दी थोड़ा सभ्य बनना सीखो। आप ये बताओ, एक मिनट, सभी टीवी चैनल पर आप ही की बाइट चली थी और लोगों ने विश्वास, मैंने दी थी और अब नहीं देता, कर ले क्या करेगा, चुप हो जा, अब आगे से पूछेगा तो ठीक नहीं। नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के मिशन पर निकले सेठ रामदेव ने देशवासियों की भावनाओं को इस कदर बेचा कि 13 जुलाई 2021 की एक खबर बताती है कि सेठ रामदेव की पतंजलि योगपीठ ने अकेले 2020-21 में 30,000 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। लाला रामदेव जैसे धन पशुओं से जब एक पत्रकार सवाल करता है तो पता है इस अंदाज में जवाब क्यों दे रहा है, क्योंकि आपने ये कहने के लिए उसको मैंडेट दिया है। न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि उत्तराखंड में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोहरा करके आपने कहा है कि पेट्रोल डीजल के दाम कितने ही बढ़ा लो, पिछड़े दलितों पर कितना ही अत्याचार कर लो, सवर्णवाद, ब्राह्मणवाद, मनुवाद, सामंतवाद की कितनी भी स्थापना कर लो, कितना भी बुलडोजर चलवा लो पिछड़े दलितों और मुस्लिमों पर, लेकिन हमें राष्ट्रवाद की अफीम सुंगा दो, हम मदमस्त सोते रहेंगे। इसी वजह से सेठ रामदेव की यह हिम्मत बढ़ गई कि वो एक पत्रकार को इस तरीके से जवाब दे रहा है। आंकड़ों के हिसाब से बता देता हूं, सेठ रामदेव 2014 में जब बैठ करके कह रहे थे छात्रों से कि पेट्रोल डीजल के दाम 30-40 रुपए में चाहते हो कि नहीं। अच्छा बच्चों ये बताओ कि आपको 75-80 रुपए का पेट्रोल चाहिए कि 35 रुपए का? तो आपको जो 35 रुपए का पेट्रोल दिलाएगा उसको वोट दोगे या 75-80 दिलाने वाले को? अरे महंगाई की मार में हम डीजल पेट्रोल तो सस्ता कर नहीं सकते, क्योंकि वो तो गवर्नमेंट के कब्जे में है। हमारे जो कब्जे में है उसमें हम लोगों को जो कर सकते हैं वो फायदा पहुंचाने के लिए काम करें। ये मेरे आंकड़े नहीं है, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट बताती है कि मार्च 2014 में पेट्रोल की कीमत थी 66 रुपए 9 पैसे, डीजल की कीमत थी 50 रुपए 32 पैसे। लाला रामदेव जिस अर्थशास्त्र की बात कर रहा है वो अर्थशास्त्र का गणित समझाता हूं आपको। उस समय केंद्र सरकार 14% मुनाफा कमाती थी पेट्रोल पदार्थों से, अब की केंद्र सरकार 32% मुनाफा कमा रही है। उस समय राज्य सरकारों को 17% मुनाफा मिलता था, अब की राज्य सरकारों को औसतन 23% मुनाफा मिल रहा है। 2014 में डीजल पर सेंट्रल एक्साइज 8% लगता था, जो अब बढ़ करके 35% हो गया है। मौजूदा स्थिति यह है कि चुनाव हो जाने के बाद 10 दिन में 9 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं और पेट्रोल ने शतक लगा दिया है। 101 रुपए 81 पैसे दिल्ली में पेट्रोल का रेट है,
93.07 रुपए डीजल का रेट है। दरबारी मीडिया और संघियों के प्रभाव में आकर के वो मानसिक गुलाम जो रूस यूक्रेन युद्ध को इसकी वजह बता रहे हैं, उनको भी एक आंकड़ा समझा देता हूं। कच्चे तेल की कीमत $130 प्रति बैरल तक पहुंच गई थी, जो मौजूदा समय में $103 प्रति बैरल तक आ गई है। इसके बावजूद पेट्रोल डीजल के दाम 10 दिन में कम होने की बजाय 9 बार बढ़ चुके हैं। ये सब इन्हीं जैसे लोगों की मानसिक गुलामी के कारण हुआ है। लाला रामदेव उस वीडियो में कह रहा है कि युवाओं को 300-350 रुपए में गैस सिलेंडर चाहिए या 700-800 रुपए में। आज गैस सिलेंडर सब्सिडी के बावजूद 425 का और सब्सिडी के बिना जो है 1200 रुपए का मिलता है। यदि आपको गैस का सिलेंडर 300 या 400 रुपए का मिले, उसको वोट करोगे या 1200 रुपए का देने वालों को? देखो सरकार तो ये बनाएंगे, आप थोड़ी बनाएंगे, हम थोड़ी बनाएंगे। उस रामदेव को बता देता हूं कि मार्च 2014 में LPG घरेलू गैस की कीमत हुआ करती थी 410 रुपए 50 पैसे। वही LPG गैस सिलेंडर इस समय मिल रहा है 987 रुपए 50 पैसे में। कांग्रेस सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार और महंगाई को आगे करके नरेंद्र मोदी को लाने का ये कोई अकस्मात प्लान नहीं था, इसकी बकायदा तैयारी की जा रही थी विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन यानी कि VIF में, जिसकी स्थापना 2009 में अजीत डोभाल, जो मौजूदा समय में देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कहने को हैं, लेकिन उनको मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी जेम्स बॉन्ड की तरह काम करते हैं। तमाम सारी मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं कि उसी विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन में एक मीटिंग हुई थी जिसमें अन्ना हजारे को बुलाया गया था, लाला रामदेव को बुलाया गया था, जनरल BK सिंह भी उस मीटिंग में थे, किरण बेदी भी उस मीटिंग में थी, अरविंद केजरीवाल जैसे तमाम सारे वो चेहरे जिनका उस समय तक राजनीति से सीधा सीधा वास्ता नहीं था। ये एक सोची समझी रणनीति थी। इसी के तहत मौजूदा समय में उन तमाम सारे लोगों को कहीं ना कहीं से लाभ दिया जा रहा है। किरण बेदी भारतीय जनता पार्टी की नेता हो गई, अरविंद केजरीवाल ने खुद अपनी पार्टी बना ली, जनरल BK सिंह भारतीय जनता पार्टी से सांसद होते हैं, मंत्री बन जाते हैं, अन्ना हजारे को छोड़ दिया जाए अगर तो सेठ रामदेव हजारों करोड़ रुपए कमा लेते हैं। राष्ट्रवाद की बात करके, योग का अनुलोम विलोम करके, और यहां तक कि सैनिकों का शौर्य, इन तमाम सारी चीजों की सेलिंग करके न सिर्फ 2014 बल्कि उसके बाद से लगातार देश के लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है। दिल्ली के चाणक्यपुरी स्थित विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन की मौजूदा समय में हैसियत क्या है, ये मैं डिटेल से नहीं बताऊंगा। पहले कई वीडियो इस बारे में मैं बना चुका हूं, लेकिन इतना जरूर बता देता हूं कि मौजूदा समय में केंद्र सरकार की तमाम सारी नीतियां इसी VIF के द्वारा संचालित और प्रभावित हो रही हैं। अजीत डोभाल जिसके संस्थापक हो, और इसी VIF से केंद्र सरकार बनने के बाद तमाम सारे बड़े बड़े पदों पर कैंपस प्लेसमेंट हुए थे। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि ये तमाम सारे लोग उस समय विपक्ष नहीं थे बल्कि न्यूट्रल लोग थे। कोई RTI एक्टिविस्ट था, कोई योग गुरु था, कोई बहुत बड़ी समाज सुधारक थी, एक आर्मी का बहुत बड़ा अधिकारी था और एक समाज सेवी था। इन तमाम सारे लोगों को एकजुट करके पूरा खेल किया गया और अभी तक चल रहा है। अभी भी बात समझ में ना आ रही हो तो अपने जाति के मंत्री का नाम ढूंढ लो, उसके घर पे जाओ, उसको माला पहनाओ, उसके हाथ से लड्डू खा लो और घर पर आकर के चिर निद्रा में सो जाओ। देखते रहिए संजन मत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।